So welcome back. We are discussing about reference management, : keeping records and organizing informations. When we are performing the literature survey, how we are going to keep the records and organize the informations so that our life will become easy in the end or during the process of research. जब भी हमें कोई paper लिखना है, अपना फाइनल थीसिस लिखना है, उस समय पे हमारी लाइफ आसान हो जाए बेसिकली. राइट. सो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिकॉर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स, जो बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स जो है उसको कैसे उसके रिकॉर्ड्स कैसे रखने हैं. यहाँ पे बोल रहा है कि एज एवरी रिसर्चर एंड लाइब्रेरियन विल रिमाइंड यू, इट इज वाइटल टू कीप a record of all bibliographic details of every source text that you think you will include in your bibliography. यदि आपको कोई भी doubt है, आपको लग रहा है कि ये text जो है मैं अपने bibliography में include करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो उस case में आपको उसके record पूरे bibliographic details जो हैं वो आपको records रखने पड़ेंगे. Right? बोल रहा है कि आवर्स कैन बी वेस्टेड, मतलब जब आपको जरूरत पड़ती है ना तो घंटों बर्बाद होते हैं, वो तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है. सर्चिंग फॉर एन इलूसिव जर्नल नेम, आर्टिकल्स टाइटल और पेज नंबर दैट इज नीडेड बिफोर द फाइनल डेट ऑफ वर्क इज कंप्लीट. जब हम लोगों को पेपर सबमिट करना पड़ता है, लास्ट समय पे हमें रेफरेंस डालने होते हैं और हम सोचते हैं कि यहाँ पे ना ये रेफरेंस पड़ जाता है जिसका जर्नल का भी नाम हमें एग्जैक्टली याद नहीं है क्या टाइटल होगा. राइट. या प्रोबेबली यहाँ पे ये चीजें फिट बैठ सकती थी, वो चीज जब हमें पता नहीं होता और ढूंढना पड़ता है तो उस समय पर घंटों वेस्ट होते हैं. हम आइडिया लगाते रहते हैं, फिर उसको जाके पढ़ना है, देखें हम इससे रिलेटेड चीजें मिल रही है नहीं मिल रही है. ओके. व्हेन देयर इज अ सबमिशन डेडलाइन टू मीट, जब बिल्कुल आपका ये होता है कि मुझे लास्ट समय पे ये इस तारीख को मुझे ये सबमिट करना है, उस समय पे इट कैन बी स्पेशली फ्रस्ट्रेटिंग टू बी डिलेड बाय मिसिंग डिटेल्स फॉर द बिब्लियोग्राफी. मतलब आप सिर्फ बिब्लियोग्राफी का जो भी डेट, मतलब बिब्लियोग्राफिक चाहिए उसमें एक रेफरेंस इंक्लूड करना है, उसका डिटेल्स आपके पास अवेलेबल नहीं है और सिर्फ उस बिब्लियोग्राफी के चलते आपका सबमिशन डिले होता है, सो देन इट बिकम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. तो दो चीज याद रखना है, पहली चीज कि घंटों वेस्ट हो सकते हैं जहां पे हमें रेफरेंस देना जरूरी है. कई बार देखा होगा आपने कि जब हम लोग रिव्यू के लिए दूसरे के पास भेजते हैं स्पेशली, सो कोई भी ऐसा रिव्यू आपके ग्रुप का कोई भी लीडर है, जैसे मान लो कि आप एक आदमी तो मिलके पेपर लिखता नहीं और थीसिस भी जब सबमिश होता है तो तीन चार लोग पांच लोग उसके मतलब को ऑथर है कोई मेंबर है, तो उसमें से किसी ने भी कमेंट कर दिया कि यहाँ पे एक आर्टिकल यहाँ पे रेफरेंस होना चाहिए और वो रेफरेंस यदि आपके पास नहीं है और आप फाइनल बिल्कुल अब सबमिशन पे हो तो आपका कम से कम हफ्ता भी लगा सकता है, घंटा तो छोड़ दो, बहुत आप किस्मत वाले हो तो एक घंटे के अंदर मिल गया तो मिल गया चीजें, अदरवाइज इट इज गोइंग टू डिले योर प्रोजेक्ट. और जब सबमिशन डेडलाइन होगा कि आज जैसे मान लो कि आपका बिल्कुल लास्ट डेट पे सबमिशन है और उस समय पे आपको किसी ने सीनियर ने उठा दिया बात कि नहीं नहीं यहाँ पे तो ये चीज चाहिए. राइट. तो यदि आपके पास बिब्लियोग्राफिक डिटेल, वही बिब्लियोग्राफी ही चाहिए, उसके बारे में ये डिटेल मिसिंग है, जैसे मैंने अभी जो एक MDA स्टूडेंट का जो ये कर रहा था जिसमें पेज नंबर ऑथर कौन है क्या है बहुत सारी चीजें मिसिंग थे, तो यदि मान लो कि उसका लास्ट सबमिशन डेट है तो उसके लिए तो प्रॉब्लम हो गया ना, उसको पता करना पड़ेगा. इसलिए जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं तो जो भी टेक्स्ट आप जहां से भी पढ़े आपको लग रहा है कि ये टेक्स्ट आप यूज करने वाले हो उसके कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स आपके पास रिकॉर्डेड होना चाहिए. दैट इज गोइंग टू सेव योर लाइफ, टाइम डिले को कम कर सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है, पॉसिबल है. It is important to familiarize yourself with referencing convention of your field so that you can keep a record of all necessary details from the day you begin reading for your research. मैं बोला कि
आपको पहले फेमिलियराइज करना, अपने आप को भी फेमिलियराइज करना जरूरी है कि रेफरेंसिंग कन्वेंशन क्या है आपके फील्ड में। जैसे मान लो हम लोग न्यूक्लियर मेडिसिन में, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का भी है कि ऑथर का नाम जो है 6 से ज्यादा है तब इटॉल लगेगा, एंड अप टू 6 जो है तक पूरे ऑल 6 ऑथर के नाम आपको लिखने हैं। तो आप जब भी रेफरेंस ढूंढोगे, जब भी आप टेक्स्ट कोई भी आप सोच रहे हो कि ये इस आर्टिकल को या ये टेक्स्ट को मैं अपने अपने थेसिस में या डिजिटेशन में इंक्लूड करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो उस केस में वो अप टू 6 ऑथर तक का आपको डिटेल रखना पड़ेगा। उसी समय जो ढूंढना है ढूंढ करके खत्म करो, ये ना ये डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि 2 का है तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन यदि ये टॉल जहां पर भी है तो जितना मेहनत करना है उसी समय मेहनत करके अप टू 6 तक चले जाओ। ओके, तो ये इसका मतलब यही है कि फेमिलियराइज योर सेल्फ विद द रेफरेंसिंग कन्वेंशंस क्या है अपने फील्ड में, वो देखो। जैसे उसमें वॉल्यूम चाहिए, पेज नंबर चाहिए, पेज में भी मान लो कि कई बार क्या होता है कंप्लीट, जैसे जैसे 1 2 ऐसे कर देते हैं लोग, डैश दे देते हैं, लेकिन वो 701 से लेकर के वो 705 तक हो सकता है, वो ऐसा वाला होता है कई बार। तो लोग 2 ही डिजिट रखते हैं, बाकी डिजिट छोड़ देते हैं। कई बार इंस्टीट्यूट ये बोलते हैं कि नहीं नहीं आपको पूरे डिजिट देने हैं, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फिर नहीं तो दोबारा ढूंढना पड़ेगा आपको। योर यूनिवर्सिटी वेब पेज विल प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ रेफरेंसिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ योर यूनिवर्सिटी एंड एक्सेस टू अदर वेब पेज ऑफरिंग फर्दर एडवाइस। मतलब ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का जो वेब पेज हो वहां पे हो कि भाई ये रेफरेंस आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके रेफरेंस जो हो वो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में हो, ऐसा दिया होगा, या अदर कोई वेबसाइट हो जहाँ पे अवेलेबल हो सकता है कि भाई रेफरेंसिंग कन्वेंशन ये ऐसा होता है, कि जनरल रेफरेंसिंग कन्वेंशन ये है। तो वो यदि आपके इंस्टीट्यूट का ऑलरेडी है और यूनिवर्सिटी का है तो उसको देखो और उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। यू शुड ऑल्सो कंसल्ट एनी स्पेसिफिक गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाई योर डिपार्टमेंट। हो सकता है कि डिपार्टमेंट का भी कोई गाइडलाइन हो, एज योर डिसिप्लिन मे हैव ए प्रेफर्ड स्टाइल एंड ए पर्टिकुलर रिकमेंडेशन फॉर टाइप ऑफ सोर्सेज दैट मे बी स्पेसिफिक टू योर फील्ड। एग्जाम्पल उसने दिया कोर्ट केस इन द लॉ और म्यूजिकल मैन्युस्क्रिप्ट इन म्यूजिक, मतलब अलग अलग है। तो पूरा जो बुक जो दिया वो सिर्फ साइंस का नहीं दिया, और एनी टाइप ऑफ रिसर्च, किसी भी फील्ड में रिसर्च कर रहे हो उससे रिलेटेड ये चीजें दिया है कि एग्जाम्पल्स कोट किया। तो इसने एग्जाम्पल दिया वो म्यूजिक के फील्ड में किया, कोर्ट केस के में किया। तो उसी तरह से हमारे यहाँ भी एक पर्टिकुलर टिपिकल स्टाइल हो सकता है, यदि कोई स्टाइल है तो उसको कंसिडर करना चाहिए, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। एज सच हमारा ऐसा कुछ नहीं है, वैंकूवर हार्वर्ड इस टाइप के स्टाइल्स, वैंकूवर स्टाइल को लोग यहाँ पे ज्यादा फॉलो करते हैं। सम जनरल कन्वेंशन विच डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन बिब्लियोग्राफीज फॉर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स आर इंक्लूडेड बिलो। अब यहाँ पे कॉमन कन्वेंशन, सम जनरल कन्वेंशन बता रहा है आगे चल के कि जो बिब्लियोग्राफिक जब भी आप कलेक्ट करते हो तो कौन कौन से इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करने चाहिए, जनरली रिक्वायर्ड कौन कौन से होते हैं। तो उसमें बुक है, तो बुक में क्या चाहिए होता है, सरनेम ऑफ द ऑथर चाहिए। उसके बाद इनिशियल ऑफ ऑथर क्या है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन चाहिए होता है, टाइटल जो है जनरली इटैलिक्स में लोग लिखते हैं, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन कहाँ से वो पब्लिश हुआ एंड पब्लिशर कौन सा है, ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इस फॉर्मेट में रखना है। जैसे यहाँ पे दिखाया जाए वेट एसआर 2003 द डिस्कवरी ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस है मास, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से आया। तो यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गया, ये द डिस्कवरी ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो होना चाहिए वो इटैलिक में होना चाहिए था। हियर इज द लाइक एरर है पीपीटी में। ओके, ए चैप्टर इन एडिटेड कलेक्शन और रीडर, मतलब यदि कोई बुक चैप्टर है कोई, तो उसमें क्या चाहिए, सरनेम ऑफ द ऑथर चाहिए होता है, इनिशियल ऑफ द ऑथर, ईयर ऑफ पब्लिकेशंस, टाइटल ऑफ चैप्टर इन सिंगल कोट में लिखते हैं,
सिंगल कोटेशन मार्क्स में इनिशियल ऑफ एडिटर चाहिए आपको, सरनेम ऑफ द एडिटर और एडिटर्स, टाइटल ऑफ बुक इन इटैलिक अगेन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशंस एंड पब्लिशर्स, इसमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। जैसे स्कॉट एम इतना, एजेंसी देखो यहाँ पे सिंगल कोट दिया, राइट, सिंगल कोट में दिया टाइटल ऑफ द चैप्टर, राइट, ईयर ऑफ द पब्लिकेशन आ गया, इनिशियल्स ऑफ ऑथर आ गया, इसका सरनेम आ गया, ठीक है। एजेंसी एंड सब्जेक्टिविटी इन स्टूडेंट राइटिंग इन सी, जॉन जे टर्नर एंड बी स्ट्रीट एडिशन, स्टूडेंट राइटिंग इन द यूनिवर्सिटी, कल्चरल एंड एपिस्टीमोलॉजिकल इशूज, एम्स्टर्डम फिलाडेल्फिया जॉन्स बेंजामिन पब्लिशिंग कंपनी। तो प्लेस भी दे दिया इसने, प्लेस ऑफ द पब्लिशर और पब्लिशर कौन सा था ये, राइट, ठीक है। जर्नल आर्टिकल में अगेन चाहिए होता है सरनेम ऑफ द ऑथर, इनिशियल ऑफ ऑथर, ईयर ऑफ पब्लिकेशंस, टाइटल, टाइटल ऑफ आर्टिकल इन ए सिंगल कोटेशन मार्क्स, नेम ऑफ जर्नल इन इटैलिक, वॉल्यूम, इश्यूज, पेज नंबर, ये सारी चीजें होती हैं। थोड़ा इसमें ये गड़बड़ है, मुझे ना ध्यान दे करके कर देना चाहिए था इटैलिक, ठीक है। ये तो ऑथर का नाम हो गया, उसके बाद ये जो सिंगल कोट में उसका टाइटल हो गया, स्टेक होल्डर व्यूज ऑफ ट्रेनिंग नीड्स ऑफ इंटर प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर हु वर्क्स विद ओल्डर पीपुल, नर्स एजुकेशन टुडे 26/5: पेज नंबर। अब जैसे यहाँ की बात कर रहा था मैं, जैसे यहाँ पे 367-76 है, अब कोई लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर भी 376 होना चाहिए। तो जिस भी फॉर्मेट में आपका इंस्टीट्यूट रेफर करता है चीज़ों को, आप वैसा बना करके रखो, उसी समय पे आप रेडी टू फॉर्मेट में रखो, बेसिकली कहने का मतलब ये है। थेसिस और डिजिटेशन या प्रोजेक्ट में सरनेम ऑफ द ऑथर, अगेन इनिशियल ऑफ ऑथर, ईयर ऑफ सबमिशन, किस साल में सबमिट हुआ था, टाइटल ऑफ द थेसिस विद इन सिंगल कोटेशन मार्क्स, लेवल ऑफ डिग्री, किस लेवल की डिग्री थी, एंड प्लेस ऑफ सबमिशन, कहाँ पे सबमिट हुआ था। तो ये ऑथर का नाम आ गया, अगेन ये आ गया, ये आपका टाइटल ऑफ द थेसिस, मोबाइल टेक्नोलॉजी फॉर हाउसिंग एसोसिएशन रिपेयर डिपार्टमेंट्स, यूजी फाइनल ईयर का थेसिस प्रोजेक्ट था ये, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, ये यहाँ से इस यूनिवर्सिटी का ये पब्लिकेशन सबमिशन है। इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस में आपको देखने में, देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस, सो लुक फॉर मोर डिटेल्स गाइडलाइन ऑन योर लाइब्रेरी वेब पेज। बोल रहा है कि बहुत वेरिएशंस अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंसेज अवेलेबल है। बोले टू जनरल प्रिंसिपल जो है टू कीप इन माइंड आर, फर्स्ट, यू शुड इंक्लूड इनफ इंफॉर्मेशन फॉर ए रीडर टू बी एबल टू ट्रैक डाउन द साइटेशन, मतलब जो भी आपने साइट किया हुआ है उस साइटेशन तक वो पहुंच सके, उतना इनफ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करना चाहिए। दूसरा बोल रहा है, एंड सेकंड, इन ऑर्डर दैट यू कवर्ड योरसेल्फ इन केस द इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस इज नो लॉन्गर अवेलेबल, ऐसा हो सकता है कि अवेलेबल ना हो, यू शुड इंक्लूड द डेट दैट यू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, मतलब इसीलिए जब भी देख लेते हम लोग मैटलैब का जब देते थे, ये पेज को हमने कब एक्सेस किया, वो उस फॉर्मेट में जर्नल वाले मांगते हैं हमें, क्योंकि वो कभी भी हो सकता है कि जब तक वो पब्लिश होकर के आए उस पेज से लोग मूव कर दे दूसरी जगह पे, तो वहां से ये इंफॉर्मेशन मिलेगा कि इस डेट को हमने एक्सेस किया था, सो ये रिक्वायरमेंट इसके पूरे हो जाते हैं। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो हमें इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि रीडर जो है यदि हमारे साइटेड आर्टिकल को ट्रैक करना चाहता है तो ट्रैक कर पाए, और दूसरा यदि हमें लग रहा है कि ये चीज कोई हटा देगा या उस समय तक अवेलेबल नहीं होगा, तो जिस डेट को हमने पब्लिकेशन एक्सेस किया है, हमने इंफॉर्मेशन एक्सेस किया है, वो डेट देना चाहिए। इफ पॉसिबल ऑल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड, यदि पॉसिबल है इलेक्ट्रॉनिक वाले के केस में, तो ये सर नेम ऑफ द ऑथर इंक्लूड होना चाहिए, इनिशियल ऑफ ऑथर्स, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल ऑफ टेक्स्ट, यूआरएल एड्रेस। इसलिए कभी कभी देख रहे हो कि मैटलैब वाला मैं नहीं पूछता था कि
उस पे कौन सा टाइटल लिखा हुआ वो भी दो, URL एड्रेस एंड द डेट एक्सिस्ट, ये सारे इंफॉर्मेशन होने चाहिए. एग्जाम्पल दिखाया द हायर एजुकेशन अकेडमी 2006 कुरिकुलम डिजाइन, ये वेबसाइट का एड्रेस दे दिया एक्सेस्ट जुलाई दिस, ठीक है. एज नोटेड इन चैप्टर 3 यू मस्ट बी केयरफुल टू इवेल्युएट द क्रेडिबिलिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस. ये तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रेडिबिलिटी जो है इंपॉर्टेंट है एनी इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस दैट यू साइट. इफ यू कैनोट आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन हु रोट द टेक्स्ट, इट इज प्रोबेबली नॉट ए रिलायबल सोर्स टू बी यूज इन एकेडमिक, इन एन एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट. यदि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि किसने लिख, किस इंडिविजुअल ने लिखा है या किस ऑर्गेनाइजेशन से ये पेपर आ रहा है या कोई आर्टिकल आ रहा है, कोई इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो बेहतर यही है कि आप एकेडमिक की के केस में आप उसको यूज ना करें. द डिटेल्स ऑफ पंक्चुएशन, कहाँ पे कॉमा है, फुल स्टॉप है, डबल कोट है, सिंगल कोट है, राइट. यूज इन बिब्लियोग्राफी इंट्रीज वेरी बट द गोल्डन रूल इज टू बी कंसिस्टेंट. मतलब ये है कि हो सकता है कि बिब्लियोग्राफी में कहीं पे कॉमा, कहीं इटैलिक, यहाँ पे सिंगल कोट, डबल कोट, ऐसा हो, राइट, अलग अलग बिब्लियोग्राफी में, लेकिन आपको एक ही मतलब कंसिस्टेंसी यूज करनी है. यदि आप टाइटल के लिए यदि सिंगल कोट के अंदर रख रहे हैं तो हर नेक्स्ट आर्टिकल जो भी होगा आपका वो सब में सिंगल कोट में ही टाइटल होना चाहिए. यदि मान लो कि किसी टाइटल को आप इटैलिक डाल रहे हैं तो हर जगह वो इटैलिक ही होना चाहिए पूरे आपके टेक्स्ट, मतलब उसमें बिब्लियोग्राफिक में एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होने चाहिए. वन वे टू डिसाइड द प्रिसाइज फॉर्मेट टू फॉलो इज, प्रिसाइज फॉर्मेट टू फॉलो इज टू कंसल्ट एन इम्पॉर्टेंट जर्नल इन योर फील्ड एंड फॉलो देयर स्टाइल. मतलब कोई भी इम्पॉर्टेंट जर्नल आप ले लो, NMC ले लो, आप वो ले लो, JNM ले लो, JNMT ले लो, आप IJNM ले लो, कोई भी एक स्टैंडर्ड जर्नल का जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को फॉलो करो फिर, राइट. ऑल जर्नल्स हैव अ गाइडलाइन फॉर ऑथर्स व्हिच डिस्क्राइब देयर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द लेआउट ऑफ बिब्लियोग्राफी, हर जर्नल का है. और हर जर्नल में कोई भी जर्नल देखोगे तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन टू ऑथर होता है और वहाँ पे दिया होता है एक बुक कैसे, बुक का रेफरेंस कैसे लिखना है आपको, आपको आर्टिकल का रेफरेंस कैसे लिखना है, तो जो भी उन्होंने फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट को फॉलो करो बेसिकली. आई वुड रिकमेंड दैट यू ऑलवेज हैव ए कॉपी ऑफ गाइडलाइंस यू आर गोइंग टू फॉलो क्लोज टू योर टू हैंड. मतलब बोल रहे हैं कि कोई भी, मान लो कि कोई भी आपको गाइडलाइन है किसी जर्नल का, आपने एक रिप्यूटेड जर्नल का गाइडलाइन आपने उठा लिया, तो उस समय पे वो गाइडलाइन की कॉपी प्रिंट करके अपने साथ रखो जब तक कि आपको याद ना हो जाता, अंटिल यू आर फेमिलियर विद द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यू नीड टू रिकॉर्ड. जब तक आपको ये याद ना हो जाए कि एग्जैक्टली बुक वाले में ये इन्फॉर्मेशन मुझे रिकॉर्ड करने हैं, करते करते याद हो जाए तो फिर ठीक है. उसी तरह से जर्नल आर्टिकल जब भी एक्सेस कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे रिकॉर्ड करना है, राइट. एंड द पंक्चुएशंस एंड लेआउट ऑफ दैट यू आर गोइंग टू अडॉप्ट, कौन सा पंक्चुएशंस, कौन सा लेआउट आप यूज करने वाले हो, ओके. तो वो जब तक याद ना हो जाए तब तक आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए, उसी हिसाब से रिकॉर्ड करना चाहिए, चाहे आप पेपर पे लिख रहे हो या वर्ड में आप टाइप कर रहे हो, तो उसी के हिसाब से उसको सजा के रखिए. क्योंकि एक बार जो आप डिटेल्स बना रहे हैं तो आप दूसरी बार के लिए मत रखिए कि अब हम नेक्स्ट टाइम में जाकर के उसको ठीक करने वाले हैं. रिव्यू लिटरेचर के टाइम पे ही यह काम खत्म कर दीजिए, ठीक है. टू रिकॉर्ड दिस बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स एज यू रेफर टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, you could create a file in word, use a referencing software package such as EndNote or reference manager, or create manual records using note cards. वो आपकी मर्जी है. चैप्टर 4 में जैसे हमने उसमें बताया था कि आप कैसे भी कर सकते हो, वर्ड में
क्रिएट कर लो, कोई सॉफ्टवेयर पैकेज यूज कर लो, रेफरेंस मैनेजर कर लो, या अपना मैनुअल रिकॉर्ड बना लो। एंड नोट इज डिस्क्राइब्ड इन मोर डिटेल बिलो, शोइंग हाउ इट कैन बी हेल्पफुल व्हेन रिकॉर्डिंग द डिटेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंसेज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंसेज को कैसे रिकॉर्ड करना है, ऑथर जो है वो यहाँ पे एंड नोट के बारे में डिटेल में वो डिस्क्राइब कर रहा है। If you are likely to include direct quotation in your dissertation or thesis, यदि आप मान लो कि किसी का मतलब एग्जैक्ट वही लैंग्वेज उठा करके कॉपी पेस्ट करने वाले हो और डायरेक्ट कोटेशन यूज करने वाले हो, तो उस केस में इट इज इसेंशियल दैट यू ऑल्सो रिकॉर्ड द पेज नंबर इन द बुक्स। ये हम लोग चैप्टर 4 में भी हमने ये बात डिस्कस करी थी कि उसका पेज नंबर इन द बुक और आर्टिकल्स कोट हैज बीन टेकन फ्रॉम, जिस आर्टिकल से आपने कोट लिया उसका पेज नंबर चाहिए आपको। इंश्योर यू हैव द एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ द कोट, मतलब उस कोट में एग्जैक्ट वर्डिंग है ये आपको इंश्योर करना है। इफ यू डू नॉट हैव ए हार्ड कॉपी ऑफ सोर्स टेक्स्ट टू रेफर टू, ठीक है, आपको दोबारा देखने के लिए उसके लिए हार्ड कॉपी नहीं है, आप कहीं से मान लो सॉफ्ट कॉपी में से कॉपी पेस्ट कर रहे हो वैसे, तो आप इंश्योर करो कि वो करेक्ट है, जो कुछ भी आप डबल कोट में लिख रहे हो उसमें कुछ अपने से आपने मॉडिफाई नहीं किया, जो उस टेक्स्ट में था एग्जैक्टली वैसे ही है। द पेज नंबर्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन द बिब्लियोग्राफी, बोल रहा है कि बिब्लियोग्राफी में पेज नंबर की जरूरत नहीं है, बट दे मस्ट बी इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट व्हेन द कोट इज यूज, जहां पर वे कोट यूज किया कर रहे हैं वहां पर पेज नंबर डालना है, उसमें नहीं डालना है, बिब्लियोग्राफी में पेज नंबर नहीं डालना है। कन्वेंशन फॉर इन टेक्स्ट साइटेशन आर डिस्कस इन डिटेल इन चैप्टर 7, मतलब इस टाइप का इनसाइट मतलब टेक्स्ट के अंदर कैसे साइट करना है वो कन्वेंशन जो है चैप्टर 7 में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाला है ऑथर। व्हेन यू रेफर टू टू डिफरेंट पब्लिकेशंस बाय द सेम ऑथर, यदि मान लो कि एक ही ऑथर का आप कोई दो पब्लिकेशन आप साइट कर रहे हो, सेम ऑथर विच वेयर पब्लिश्ड इन द सेम ईयर, वो भी एक ही साल में पब्लिश्ड हुए हैं दोनों आर्टिकल। The one mentioned first in the main text should include a lower case a, जो पहला जो है वो उसको लोअर केस ए से डिनोट करना है, और दूसरा जो है ठीक है फर्स्ट जो है मेन टेक्स्ट शुड इंक्लूड लोअर केस ए आफ्टर द ईयर। एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा है हेलन 2010 ए, एंड द सेकेंड वन जो होगा वो वहां पे बी लगाना है, फॉर एग्जाम्पल हेलन 2010 बी। तो एक ऑथर एक ही ऑथर का दो पब्लिकेशन सेम ईयर में आया है और दोनों ही हम साइट कर रहे हैं, तो एक में ए लगाना है दूसरे में बी लगाना है और इस ढंग से करके उसको साइट करना है। द एंट्रीज इन द बिब्लियोग्राफी शुड करस्पॉन्ड टू द इन टेक्स्ट रेफरेंसेस एंड इंक्लूड 2010 ए एंड 2010 बी आफ्टर द ऑथर्स नेम फॉर ईच एंट्री एज इलस्ट्रेटेड बिलो। अब इन टेक्स्ट में एंट्रीज इन द बिब्लियोग्राफी, हाँ बिब्लियोग्राफी में द एंट्रीज इन द बिब्लियोग्राफी शुड करस्पॉन्ड टू द इन टेक्स्ट रेफरेंसेस। अच्छा इन टेक्स्ट रेफरेंसेस जो जो यहाँ पे जैसे ये हेलन के 2010 यहाँ पे आया आफ्टर द ऑथर नेम, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ पे जो 2010 और ऐसे करके जो दिया हुआ है ये वाला यहाँ पे हेलन के एक ही आया 2010 ए, यहाँ पे ब्रैकेट में करके ऐसे करके देना, फिर बाकी जो वैसे ही आर्टिकल का नाम है जर्नल है पेज नंबर और वो चीज, फिर दूसरा आर्टिकल वैसे ही आ गया 2010 बी, ठीक है। दूसरा When you cite an author whose work you have not seen but who was cited in a source that you have read, कई बार क्या होता है कि हमने मान लो किसी का आर्टिकल पढ़ा उसमें किसी ने कोई आर्टिकल साइट किया है लेकिन उसने जिस आर्टिकल को साइट किया मैंने नहीं पढ़ा, समझ गए, और उस आर्टिकल को यदि साइट करना है तो वो कैसे साइट करना है ये बात बता रहा है। इन दिस सिनेरियो द इन टेक्स्ट रेफरेंस मस्ट मेक इट एक्सप्लिसिट that the citation is a secondary reference, वो secondary reference है। For example, Bhatia
1993 साइटेड इन हेलेंड 2010, मतलब ये 2000 हेलेंड 2010 का जो आर्टिकल है उस आर्टिकल में भाटिया 1993 के आर्टिकल साइटेड हैं, बट इट इंडिकेट्स कि मैंने ये भाटिया 1993 के आर्टिकल मैंने नहीं पढ़ा, समझ गए? हमने उस आर्टिकल में पढ़ा था, वो आर्टिकल में ऐसे साइटेड है, तो इसका साइटेशन ऐसे होता है, तो ऐसे करना है उस केस में। द हेलेंड 2010 रेफरेंस इज इंक्लूडेड इन द बिब्लियोग्राफी एंड द भाटिया 1993 इज सेकेंडरी साइटेशन इज नॉट, वो इसको नहीं साइट, मतलब ये नहीं बिब्लियोग्राफी में इंक्लूड नहीं होगा। ओके ठीक है। द ऑर्डर ऑफ एंट्रीज इन ए बिब्लियोग्राफी कैन वेरी, ये जो हो सकता है कि बिब्लियोग्राफी में जो ऑर्डर ऑफ एंट्री जो है वो वेरी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सम साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में ये रिक्वायरमेंट होता है कि न्यूमेरिकली ऑर्डर करना है बिब्लियोग्राफी को, तो उस केस में इन विच केस द नंबर फॉर ईच रेफरेंस इंडिकेट्स द ऑर्डर इन विच द रेफरेंस आर फर्स्ट साइटेड इन द टेक्स्ट। मतलब जैसे हम लोग IJNM में जो पेपर डालते थे या NMC में जो भी डालते हैं, फर्स्ट वो न्यूमेरिकल ऑर्डर में, वैसे ही ऑर्डर में जो फर्स्ट बार साइट हुआ उसी ऑर्डर में जाकर के वो साइटेशंस होना चाहिए, बिब्लियोग्राफी में भी होना चाहिए। यदि फर्स्ट वाला फर्स्ट साइटेड है टेक्स्ट में तो बिब्लियोग्राफी में भी वो पहला ही अपीयर होना चाहिए। दो तीन आ गया और तीन के बाद फिर तीसरा आ रहा है तब वो कभी भी हो सकता है, राइट? तो इस ढंग से साइटेशन होना चाहिए। हाउएवर द मेजोरिटी ऑफ डिसिप्लिन यूज हार्वर्ड सिस्टम, मतलब ये तो न्यूमेरिकल ऑर्डर है, दूसरा जो है हार्वर्ड सिस्टम यूज करता है, दैट विल रिक्वायर अल्फाबेटिक बिब्लियोग्राफीज वेयर द रेफरेंसेज आर सिक्वेंस्ड अल्फाबेटिकली, वहां पर रेफरेंस को अल्फाबेटिकली सिक्वेंस करते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर ऑफ द ऑथर सरनेम, ऑथर का सरनेम का फर्स्ट लेटर से सिक्वेंसिंग करना होता है, अल्फाबेटिक अल्फाबेट्स बनाया जाता है। एज डिस्क्राइब्ड बिलो, एंड नोट जो है, एंड नोट हैज ए फैसिलिटी फॉर क्रिएटिंग बिब्लियोग्राफीज इन द स्टाइल रिक्वायर्ड, इस स्टाइल में, हार्वर्ड स्टाइल में। वहां पर तो बहुत सारे रेफरेंस मैनेजर हैं जो किस स्टाइल में आपको डालना है, इवन जुटेरो है जो मिडलाइन, एक और कुछ करके है जो फ्री है, जुटेरो में भी आपके पास वो फैसिलिटी है कि किस स्टाइल में आप करना चाह रहे हो। तो एक बार यदि मान लो कि आपने हार्वर्ड में डाल दिया है और न्यूमेरिकल ऑर्डर में बनाना है आपको, तो उस ऑर्डर में लेके जा सकते हो, अप्पा स्टाइल में डाल सकते हो, कौन सा स्टाइल में वो अपने आप वो कर देता है, बहुत सारे कन्वर्जन तो पॉसिबल हैं वो वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उसमें। बट वहाँ पर भी मैंने देखा है कि कुछ बच्चे वैसे भी करके लेके आते हैं, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ एरर रह जाता है क्योंकि जो नेट से उठाता है वो अपने आप, तो वहाँ तो उसकी एक्यूरेसी होती है, लेकिन जब जो जहाँ पे हमें खुद इन्फॉर्मेशन डालना होता है तो स्टूडेंट खुद ही इंटर नहीं करता, तो इसलिए वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट नहीं होता, वहाँ पे एरर इंट्रोड्यूस होता है। सो ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए। थर्ड टाइप ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम जो है वो है क्रूशियल फॉर योर रिसर्च, जो है वो आपका पर्सनल लाइब्रेरी है, वो वहां पे आपको इज ए क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर कोडिंग एंड फाइलिंग हार्ड कॉपीज ऑफ द टेक्स्ट यू कलेक्टेड एंड आइडेंटिफाई एज बीइंग रेलेवेंट टू योर रिसर्च। मतलब बोला जितने आपने टेक्स्ट इकट्ठा किए हैं उसके हार्ड कॉपी आपने बनाई है या आपने नोट्स बना करके रखा हुआ है, तो उसको उसके लिए आपको कोडिंग सिस्टम और आपके फाइलिंग सिस्टम डेवलप करना है वो चीज। इट इज यूजफुल टू डाउनलोड और फोटोकॉपी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड की चैप्टर्स फ्रॉम बुक्स सो दैट यू कैन रेफर बैक टू द ओरिजिनल्स। इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, यदि मान लो कि ओरिजिनल हार्ड कॉपी फोटो कॉपी आपके पास अवेलेबल नहीं है, मेक श्योर यू टेक ए कम्प्रिहेंसिव नोट, उस केस में आपके नोट्स कम्प्रिहेंसिव होने चाहिए, एंड फाइल द नोट्स फ्रॉम दीज सोर्सेस, राइट? और फिर नोट्स जो है वो जो भी सोर्स आपको इंक्लूड करना है वो वहां से नोट्स बना करके कम्प्रिहेंसिव नोट को फाइल करना है आपको। अब कम्प्रिहेंसिव में वही है कि जो जो चीजें डिटेल रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए आपको, ठीक है? विदाउट ए फाइलिंग सिस्टम ऑफ सम काइंड इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ योर रेफरेंसेस। फिर यदि आपके पास फाइलिंग सिस्टम नहीं है तो आप
आपने जो भी रेफरेंस जो भी है उसको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होएगा. एंड एज ए पाइल ऑफ फोटोकॉपी आर्टिकल्स ग्रोज हायर एंड हायर ऑन योर डेस्क, इट विल बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू फाइंड ए टेक्स्ट व्हेन यू वांट टू रेफर टू इट अगेन. यदि मान लो कि वही हाल जैसे मेरे मेरे पास होता है, मेरे साथ प्रॉब्लम बहुत सारे जब पेपर इकट्ठे हो जाते हैं तो हर बार उसको खोजने में मुझे टाइम लगता है, एक एक पेपर फिर ढूंढना पड़ता है. सो देयर मस्ट बी सम वे टू फाइंड ए कोडिंग सिस्टम कि कैसे अपने इंफॉर्मेशन को और हार्ड कॉपी जो भी है या जो भी मैंने नोट्स बनाया है उसको कैसे फाइल करना है और उसको कैसे रखना है ताकि जब हमें जरूरत हो तो क्विकली मिल जाए, इजली मिल जाए. बोला टू क्रिएट ए कोडिंग सिस्टम ब्रेक योर टॉपिक ऑफ रिसर्च डाउन इन टू द सब सेक्शन एंड फाइल द लिटरेचर अकॉर्डिंगली इन बॉक्स फाइल्स और फोल्डर्स. अब उसमें क्या बोल रहा है उस केस में कि बोल रहे हैं कि जो जो आपका कोडिंग सिस्टम क्रिएट करने के लिए कोडिंग सिस्टम कैसे आप क्रिएट करोगे, वो बोल रहा है कि आपका टॉपिक जो है उसको सब टॉपिक में ब्रेक करो पहले और सब टॉपिक के हिसाब से या सब सेक्शन के हिसाब से आप जो है फाइलिंग सिस्टम डेवलप करो कि इस सेक्शन से रिलेटेड ये फाइल ये यहाँ पे है, उसके लिए कोड आप जनरेट करो. मतलब ऐसे कर सकते हैं कि मान लो कि हमारा मेन टॉपिक है और उसके सब सेक्शंस मान लो कि हमारे पास 6 बन रहे हैं तो मैं कोड बना सकता हूँ फर्स्ट सेक्शन के लिए 01 है, दूसरे के लिए 02 है, 03 है और जब 01 सब सेक्शन से रिलेटेड चीज आता है तो उस फाइल में चला जाएगा, डाल सकते हैं. ऐसे करके बोल रहा है बनाने के लिए जो हमको समझ में आ रहा है. टू क्रिएट अ कोडिंग सिस्टम ब्रेक योर टॉपिक ऑफ रिसर्च डाउन इन टू द सब सेक्शन एंड फाइल द लिटरेचर अकॉर्डिंगली इन बॉक्स फाइल्स और फोल्डर्स. या तो उसके लिए बॉक्स बना लो या उसके लिए फोल्डर्स बना लो, उसी फोल्डर में डालते जाओ. ऑन द कवर ऑफ द फोल्डर राइट द नेम फॉर द कैटेगरी एंड रिकॉर्ड क्विक रेफरेंसेस टू आर्टिकल चैप्टर्स इंक्लूडेड इन साइट either by using author's name or the article, chapter or title. अब बोल रहा है कि यदि आपने फोल्डर बना लिया तो फोल्डर इस फोल्डर पे ही एक चिपका दो कि कौन, चाहे ऑथर नेम के हिसाब से बोलो या चैप्टर के टाइटल के हिसाब से बोलो कि इस सबसेक्शन से रिलेटेड इस ऑथर के ये आर्टिकल है या इस टाइटल के ये आर्टिकल है. उसके पेज नंबर भी डाल दो तो आपको उसके पेज नंबर पे जाकर के आप ढूंढ सकते हो. मेबी यू कैन नंबर योर फोल्डर्स and use a system of cross-referencing to another folder. If a particular reference is relevant in two categories, मान लो कि एक reference दो categories में ज़रूरत है, मान लो कि section 1 और section 5 में दोनों में ज़रूरत है, तो उस केस में बोल रहे हैं you can number your folders and use a system of cross-referencing to another folder. समझ में आ रहा है? तो आप दैट्स व्हाट ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि यू कैन नंबर योर फोल्डर्स. फॉर एग्जांपल एक फोल्डर का नाम एक दे दिया, यहाँ पे फोल्डर नंबर 2 दे दिया एंड यूज अ सिस्टम ऑफ क्रॉस रेफरेंसिंग टू अनदर फोल्डर इफ ए पर्टिकुलर रेफरेंस इज रेलिवेंट इन टू कैटेगरीज. राइट, तो मान लो कि एक पर्टिकुलर रेफरेंस है जो टाइटल यहाँ पे दिया है और ये रेलिवेंट सेक्शन 2 में भी है तो मैं इसके ब्रैकेट में एक सिस्टम यहाँ पे लिखूंगा 2. इसका मतलब है कि आर्टिकल मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है. राइट, इसकी जरूरत मेरे 2 पे भी है. इस टाइप ऑल्दो इट कैन बिकम कॉस्टली सम रिसर्चर इवन लाइक टू फोटोकॉपी मल्टीपल कॉपीज ऑफ की आर्टिकल सो दैट दे कैन स्टोर देम इन डिफरेंट इन देयर फाइल्स फॉर मोर देन वन कैटेगरीज. मतलब वो क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, चलो यार इस सेक्शन में भी जरूरत है, इसी की दो कॉपी बना लो, एक यहाँ पे डाल दो एक वहां पर भी डाल दो. राइट, तो डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने ऑर्गेनाइज करना चाहते हो. इफ यू हैव बोथ योर ओन नोट्स एंड हार्ड कॉपीज ऑफ द आर्टिकल, आपका आपके पास अपना नोट भी है और आपके पास हार्ड कॉपी भी है आर्टिकल्स का,
तो उस केस में यू मे प्रेफर टू डेवलप ए सेपरेट फाइलिंग सिस्टम फॉर ईच। उस केस में आप जो है नोट्स के लिए एक अपना फाइलिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हो, और हार्ड कॉपीज जो है आर्टिकल का उसके लिए एक अपना अलग फाइलिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हो। हाउएवर आई हैव फाउंड दैट ऑथर सेज आई हैव फाउंड दैट इट इज मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड टू वर्क विद ए सिंगल फाइलिंग सिस्टम। वो एक ही सिंगल फाइलिंग सिस्टम ही यूज करो, मतलब एक ही तरीके का जो भी आपने डिसाइड किया कि मैं ऐसे ही फाइल करूंगा वही फाइलिंग सिस्टम फॉलो करना चाहिए फॉर बोथ नोट्स एंड ओरिजिनल टेक्स्ट। सो इफ आई टेक ए लीनियर और पैटर्न्स नोट ऑफ ए टेक्स्ट एंड और राइट समरी ऑफ इट, आई स्टेपल दीज टू माई हार्ड कॉपी ऑफ द आर्टिकल एंड द फाइल देम टूगेदर। तो वो क्या करता है, यदि मान लो कि कोई आर्टिकल जो था वो वहाँ से उसने उसी आर्टिकल का लीनियर नोट बनाया या पैटर्न स्पाइडर नोट्स बना लिया या उसकी समरी लिखी है, तो उसी उसी आर्टिकल के साथ वो स्टेपल कर देता है और एक ही जगह फाइल कर देता है, वो अलग अलग नहीं फाइल करता नोट्स को। सो डिपेंड करता है कि वो आप अपना कैसे आप फाइलिंग करेंगे उसको। अल्टरनेटिवली इफ यूजिंग एंड नोट और अनदर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन यू कैन मेक योर नोट्स एंड राइट योर समरी ऑन द कंप्यूटर एज ए पार्ट ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक एंट्री फॉर ईच रेफरेंस। हाउएवर अब ये बोल रहा है कि यदि मान लो कि आप एंड नोट यूज कर रहे हो या अदर कोई इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो यू कैन मेक योर नोट्स एंड राइट योर समरी ऑन द कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर पे लिख सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो, अपनी समरी भी लिख लो एज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंट्री फॉर ईच रेफरेंस के लिए। हाउएवर यू डू नीड टू बी केयरफुल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन योर ओन नोट्स एंड समरीज एंड दोज दैट यू डाउनलोडेड इलेक्ट्रॉनिकली विथ रेफरेंस। लेकिन ये बोल रहे हैं कि आपके कौन से नोट्स हैं, आपकी कौन सी समरी है और कौन सा चीज जो है आपने इलेक्ट्रॉनिकली डाउनलोड किया हुआ था, वहां से डाउनलोड किया हुआ है विथ रेफरेंस। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लो कि आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो, नेट पे पढ़े और आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको लगा कि ये लाइन ये चीज जो है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपने कॉपी पेस्ट मारा वर्ड में डाला उसके साथ उसका रेफरेंस डाल दिया, राइट। अब एक आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, खुद अपना नोट्स बना रहे हो, अपनी समरी लिख रहे हो, वहां भी रेफरेंस और बाकी चीजें लिखोगे, तो ये बोल रहे हैं ये दोनों में डिफरेंशिएशन करने आपको आना चाहिए, वो क्लैरिटी रहनी चाहिए, वो आप कैसा कैसा सिस्टम आप डेवलप करना चाहते हो यू डेवलप इट आउट, बट दैट डिफरेंशिएशन शुड बी देयर कि ये मेरा नोट था, ये मैंने ये आर्टिकल जो था डाउनलोड किया हुआ था। It says कि आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यूजिंग ए डिफरेंट कलर्ड फॉन्ट फॉर योर ओन नोट्स इफ मेड इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब आप फॉन्ट चेंज कर दो, जैसे मान लो कि कलर जो है आप जनरली ब्लैक से लिखते हो, तो कोई एक ब्लैक का ले लो तो आप अपना जो टेक्स्ट लिख रहे हो उसको ब्लू में कर दो, तो पता चल जाएगा कि भाई ब्लू जहां जहां पे है वो मेरा खुद का लिखा हुआ नोट्स है और ब्लैक वाला जो है वो डाउनलोडेड है। You can access your notes quickly by conducting keyword searches or opening up the particular reference to which the notes apply. मतलब बोल रहा है कि जो भी notes जो आपको use करना है वहां पे जा करके उसमें words में वैसे भी facility है या बाकी end note में तो होगी ही search करने की facility, even words में भी है, control F करो आप keyword डालो आपको मिल जाएगा। This particular function of end note is discussed later in the later section. बोला end note के बारे में वो बोल रहा है कि हम detail discuss करेंगे कि कैसे search करना है कोई भी article, मतलब keywords से जो आपने notes बनाए हो। Thank you. और कुछ पूछना है?